I have three technical questions which may be relevant to many of them or repeated to bhi ho sakta hai. Okay. Sir, sabse pehle question jo mere mind mein aa raha hai aur jo sabke mind mein hai ki cluster development Mumbai mein successful hai ki nahi, ye pehla question. Aur city and suburbs, ye dono mein cluster development mein kya farak hai technically? Ye knowledge to mujhe bhi chahiye. See, good questions. I think 60% of the problem may be solved if people understand the cluster development. Cluster development introduced practically for the looking to the city. City mein kya tha? Kalba Devi and Bhiwandi side, there are small plots. Chote chote sab 150, 200, 500 meter ka plot hai. Aur ek ek building bana diye. Agar hum chote chote building banate hain, to वो जो डेवलपमेंट का जो कम्युनिटी डेवलप होता है, कम्युनिटी का मतलब सोसाइटी का गैदर एक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता है. और सब छोटे छोटे बिल्डिंग में एमिटीज नहीं दे सकता है, पार्किंग नहीं दे सकते, क्लब हाउस नहीं हो सकता है, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस नहीं है सराउंडिंग एरिया में. दिस लुकिंग टू ऑल दिस थिंग्स गवर्नमेंट डिसाइडेड कि लेट अस डू ए क्लस्टर डेवलपमेंट सो दैट जितने छोटे छोटे प्लॉट है वो सब मर्ज होकर एक लार्ज प्लॉट में आ जाए. चाइना में ये सब बहुत बहुत फेमस है. चाइना में कोई भी प्लॉट लेस देन 10 हजार मीटर है ही नहीं, कोई भी प्लॉट चाइना में. और या तो बड़े बड़े प्लॉट है 50-60 हजार मीटर के. सो दैट उसके अंदर ही क्या होता है, दे परमिट मिक्स यूजर्स. हमारे उधर मिक्स यूजर्स दे आर नॉट परमिटिंग. मिक्स यूजर में कॉमर्शियल रेजिडेंशियल दो ही अलाउड है, पर कॉमर्शियल के साथ रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल के साथ ऑफिस, होटल्स, दे डोंट परमिट ऑल दी थिंग्स. बट वहाँ वो परमिशन है. बेसिकली इन सिटी द क्लस्टर डेवलपमेंट इज अलाउड इन 4000 स्क्वायर मीटर. आपके आप लैंड पुलिंग करते हो, सब सोसाइटी ज्वाइंट करके लैंड पुलिंग करता है, और 4000 मीटर के ऊपर अगर प्लॉट हो जाता है ही कैन गो फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट. क्लस्टर डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, एग्जिस्टिंग एरिया के ऊपर आपको परसेंटेज मिलता है. माडा ने कुछ रूल फिक्स किया है कि एग्जिस्टिंग एरिया आपका कितना है और वो हिसाब से कितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. उसके ऊपर अगर सरप्लस लैंड होता है तो कुछ फ्लैट्स आपको PTC करके बना के माडा को देने का है. सेम वो जो 4000 मीटर का जो एरिया क्राइटेरिया है इन सिटी, वो सब के लिए 6000 मीटर कर दिया. ये बेसिकली बहुत लेआउट है. फॉर एग्जांपल कस्तूर पार्क, शिमपोली, गांजा वाला अपार्टमेंट जिसमें FSI एग्जिस्टिंग FSI इज मोर देन 1.4, तो उसके लिए कोई भी स्कीम वायबल नहीं होता है टू रीडेवलप ऑल सच प्रॉपर्टीज. उसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट इज़ ए वेरी गुड आइडिया. जिधर जिधर एग्जिस्टिंग FSI ज़्यादा है तो वो लैंडलॉर्ड अगर लैंड पुलिंग करके 6000 मीटर के ऊपर आ सकता है सबब में, ही कैन गो फॉर क्लस्टर रीडेवलपमेंट. एंड दैट इज़ बेनिफिशियल टू एवरीबडी. इवन मेंबर्स विल गेट लॉट ऑफ गुड स्पेस फॉर प्लेग्राउंड्स, क्लब हाउस, हेल्थ फैसिलिटी, एंड यू विल एन्जॉय ऑल द फेस्टिवल्स विद इन द सोसाइटी. छोटे बिल्डिंग कोई फेस्टिवल कर नहीं सकते, जब सोसाइटी में रहेंगे तो फेस्टिवल. वो सिक्योरिटीज इज गुड दिस थिंग, वो बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटीज. तो वो सब लार्ज डेवलपमेंट के लिए पॉसिबल है, वो कोई भी एरिया में हो सकता है. दो ही क्राइटेरिया है, सिटी में 4000 मीटर, सब में 6000 मीटर. क्वेश्चन नंबर 1, टाइम लिमिट. उसका एक प्रोसीजर है. क्लस्टर में क्या होता है, बिकॉज डिफरेंट बिल्डिंग लैंड पुलिंग होता है और डिफरेंट बिल्डिंग आता है, तो सब बिल्डिंग का अलग अलग क्राइटेरिया है. सब एक सिटी नंबर में किसने ज़्यादा वापरा है, किसने कम वापरा है. तो माडा इज़ द अथॉरिटी हु विल डिसाइड वॉट इज द एग्जिस्टिंग एरिया, ही इज़ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी. तो आपको आपका प्लान लेके जितना भी जुना आपका अप्रूवल है कि बिल्डिंग बन गया है, उसमें अनऑथोराइज है, ऑथोराइज पोर्शन, वो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट के हिसाब से यू टू गो टू माडा. माडा विल सर्टेन दी एरिया, देन यू टू सबमिट द प्रपोजल टू बिल्डिंग प्रपोजल. बिल्डिंग प्रपोजल सबसे पहला कंसेशन अप्रूव करेगा, दैट मीन प्रिंसिपल स्कीम अप्रूव करेगा. देन इट विल गो टू हाई पावर कमिटी, हाई पावर कमिटी उसको अप्रूव देगा. देन इट विल गो टू गवर्नमेंट, बिकॉज क्लस्टर में स्पेशल परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स. गवर्नमेंट एग्री करे, गवर्नमेंट में कमेटी है, वो कमेटी पास करेगा तो आपका हो जाएगा. मेरे हिसाब से सब टोटल प्रोसीजर विल बी कम्प्लीटेड इन 4 to 6 months, सब हो जाएगा 4 और 6 महीने के अंदर अंदर. देर इज़ वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, छोटे बिल्डिंग और बड़े बिल्डिंग के बीच में डिफरेंस यही है कि छोटे बिल्डिंग में यू विल गेट एम्यूनिटीज. अभी एक छोटी बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब फिजिकल प्ले नहीं करता है ना तो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं आता है स्पोर्ट्स लेवल में. अभी नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी लास्ट ईयर ये डिक्लेयर किया है कि खेलो स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स दिस गिविंग लॉट ऑफ बूस्टअप टू स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में बच्चे लोग कब तैयार होते हैं, जब उसको फिजिकल लैंड मिलेगा. तो ऐसे लैंड बहुत है आजू बाजू पर, सोसाइटी के अंदर ही अगर खेलने को मिला तो प्रैक्टिस रोज का हो जाता है,
दैट इज वाई यू रिक्वायर्ड अ लार्ज लैंड. तो लार्ज लैंड के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट आया है बेसिकली. तो छोटे और प्रोजेक्ट और बड़े बिल्डर में वाइबिलिटीज में क्या फ़र्क पड़ेगा कि क्लस्टर के अंदर एग्जिस्टिंग एरिया के ऊपर एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, जबकि छोटी बिल्डिंग में वाइबिलिटी वर्कआउट किया जाता है. अगर आपका एग्जिस्टिंग एरिया ज़्यादा है तो आपको ऑफर कम मिलेगा, वो सब झंझट निकल जाता है क्लस्टर में. सो दैट इज़ ए बेनिफिशियल इन सो मेनी वेज. क्लस्टर डेवलपमेंट इन सो मेनी वेज बेनिफिशियल है.